बनाने वाले हैं तीन प्याज से बहुत ही नया और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट रेसिपी, और ये सबसे अलग रेसिपी होगी और ये बहुत ही ज्यादा हटके होगी। सिर्फ तीन प्याज से ही बनाएंगे और आप इस तरीके की रेसिपी आज तक कभी नहीं खाई होंगी प्याज की। तो बनाने के लिए दोस्तों मैंने ये तीन प्याज लिए हैं। आपके घर में पर जितने मेंबर हों आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसका ऊपर का छिलका ये निकालेंगे और इसको हम सबसे पहले छील लेंगे प्याज को। तो इस तरीके से हम सभी के छिलके निकाल लेंगे और अच्छी तरीके से इसको छील भी लेते हैं। तो प्याज को देख सकते हैं मैंने इस तरीके से काट लिया है। तो अब हमें इसको इस तरीके से काटना है, इस तरीके से काटना है प्याज को, और जो बाकी के हैं उनको भी हमें इसी तरीके से काटना है। और जो बाकी के बचे हैं उनको भी हमें प्याज को इसी तरीके से काट लेना है, और थोड़ा सा देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा मोटा रखना है, इस तरीके से लगे थोड़ा मोटा, तो खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा मोटा रख के। मैंने इस तरीके से काट दिए हैं तो इनको हम साइड में रखेंगे। तो ये मैंने लिया है बेसन, तो मैंने 100 ग्राम बेसन लिया है और इसमें हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ, और ये मैंने थोड़े से मटर लिए तो मटर भी डालेंगे, और ये इतना जबरदस्त रेसिपी बनेगी दोस्तों खाने में मजा आ जाएगा। स्वाद के अकॉर्डिंग मैंने नमक लिया है, आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया मैंने, आधी चम्मच मैंने मोटा वाला धनिया लिया है, और ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है तो अजवाइन भी डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ी सी मोटी वाली चिली फ्लेक्स डालेंगे इसके अंदर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैंने पानी लिया है तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ में नहीं डालेंगे पानी को, और इसको हमें डो को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो देख सकते हैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से फेंटना है ताकि इसमें एक भी लम्स नहीं आ सके। तो देख सकते हैं दोस्तों इस टाइप का हमें बैटर चाहिए, और देख सकते हैं बिल्कुल एक भी इसमें लम्स नहीं है। तो इसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने थोड़ा सा हींग लिया है तो इसमें एक चुटकी भर हींग भी डालेंगे, और हींग डाल के भी अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिक्स हो चुका है, और 10 मिनट भी हो चुकी थी। तो इसमें हम थोड़ा सा इनो डालेंगे, हमें जो पैकेट लिया है उसका आधा पैकेट डालना है इनो का, पूरा नहीं डालना है। और इसको डालने के बाद में भी हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है, और बैटर को आप देख सकते हैं आपको बैटर इस टाइप का चाहिए, ज़्यादा पतला या गाढ़ा नहीं रखना है बैटर को, इसी टाइप का बैटर चाहिए। इसको हमें थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना है। और ये मैंने पैन लिया है बनाने के लिए, गैस को मैंने ऑन कर दिया, तो इसमें हमें थोड़ा सा तेल डालना है सबसे पहले। तो मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया है, और तेल को अच्छे से इस तरीके से हम फैला लेंगे। तो तेल को हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं, और जो मैंने बैटर लिया था तो बैटर को हम डालेंगे इस तरीके से, और इसको भी हल्का सा फैला लेंगे, इसको मोटा ज्यादा लेयर का नहीं बनाएंगे। इसको हमें बिल्कुल गोल साइज देना है, और बराबर इसी तरीके से बराबर रखना है इसको बिल्कुल गोल।
और दोस्तों आपको इस टाइम में गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखना है। और जो मैंने प्याज लिए थे तो प्याज इसके ऊपर इस तरीके से हम डाल देंगे इस तरीके से, और बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेना है प्याज को। बाकी का बैटर बचा हुआ है वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। इस तरीके से डालना है और गैस का फ्लेम दोस्तों आपको बिल्कुल कम रखना है। 7 से 8 मिनट लग जाएंगी इसको इस तरीके से अच्छे से सिकने में, तो आपको इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो देख सकते हैं मैंने इसको डाल दिया है, और जो इस तरीके से हम इसको गोल भी कर लेंगे, बिल्कुल गोल शेप दे देंगे ताकि गोल शेप से बहुत ही ज्यादा दिखने में भी बहुत ही अच्छा दिखता है और खाने में तो एक नंबर बनेगा ये इस तरीके से आप बनाएंगे तो। और इसको सेकने में आपको 7 से 8 मिनट लग जाएंगे, तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है और गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल कम रखना है। तो गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल कम रख के सेकना है। तो अब इसको हम ढक के सेकेंगे और इसको इस तरीके से भी हम जो मैंने तेल डाला था इस तरीके से कर देंगे ताकि ये निकलने में भी बिल्कुल इजी तरीके से निकल जाएगा और सिकने में भी बहुत ही अच्छे से सिक जाएगा। तो ये देख सकते हैं साइड से जो नाश्ता है वो हमारा सिकना स्टार्ट हो चुका है और ये कितना पाक पहले से फूल भी चुका है। तो इसको सेकने में दोस्तों 7 से 8 मिनट लग जाएंगे, तो ढक के ही सेकना है आपको। और बीच बीच में जो मैंने तेल डाला था उसको इस तरीके से आपको करते रहना है ताकि नीचे जले नहीं जो नाश्ता है आपका। सकते हैं नाश्ता हमारा बन चुका है, इसको मैंने नीचे से निकाल लिया है। तो इसको अब हमें पलटना है और बहुत इजी तरीके से दोस्तों पलट जाएगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से पलट चुका है और एक साइड इसका बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी कलर आया है। तो दोनों साइडों से हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेकना है। तो एक साइड से हमें ज़्यादा नहीं सेकना, एक साइड से हमें बिल्कुल हल्का सा ही सेकना है क्योंकि एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी सिका है, तो दूसरी साइड से भी हमें सेक लेना है इसको। तो देख सकते हैं दोस्तों नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो चुका है, कितना स्पंजी बना है। तो अब इसको निकाल लेते हैं, दोनों साइडों से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिक चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से बिल्कुल दोनों साइडों से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिकाई हो चुकी है और कितना स्पंजी भी बना है ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मेरे तो देखते ही मुँह में पानी आ रहे हैं, इतना टेस्टी बना है। और प्याज का है तो प्याज तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, प्याज की कोई भी रेसिपी होती है। तो अब इसको हम काट करके भी दिखाएंगे, तो अब इसको हम काट लेंगे इस तरीके से। तो देख सकते हैं दोस्तों कट चुका है और प्याज भी हमारे बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं पक चुके हैं अच्छे से बिल्कुल। तो ये हमारा देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा नाश्ता बनकर के तैयार हुआ है, ये प्याज का नाश्ता है, मटर और प्याज का। तो इस सर्दियों में अगर आप इस तरीके से नाश्ता बना लेंगे तो दोस्तों आपको मज़ा आ जाएगा और आप रोज़ यही बना करके खाएंगे। देख सकते हैं कितने कम तेल में बनाए और बहुत ही ज़्यादा चटपटा है। तो हमारी इजी तरीके से नाश्ता बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए भी और आपका कीमती समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।